हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। तो आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साप्ताहिक राशि फल के बारे में, वीकली राशि फल के बारे में, जो कि 17 सितंबर से 23 सितंबर 2018 के लिए होगा। दोस्तों, राशिफल जानने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो राशिफल होते हैं वो बेहद सामान्य स्तर पर होते हैं। चाहे आप किसी का भी राशिफल देख रहे हो, चाहे कहीं पर भी सुन रहे हो, चाहे कहीं पर भी पढ़ रहे हो, जो राशिफल होते हैं वो बेहद सामान्य स्तर पर होते हैं, क्योंकि ये सिर्फ ग्रहों के गोचर पर आधारित होते हैं। यदि आपको खुद के बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए कई चीज़ों की जरूरत लगती है, जैसे कि आपकी लग्न कुंडली, आपकी सूक्ष्म कुंडलियाँ, आपकी दशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं, नक्षत्र, गोचर, कुंडली के अच्छे या बुरे योग और भी कई चीज़ों का एक साथ मिला करके जब अध्ययन किया जाता है, तब जा करके एक जानकारी निकल के आ पाती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होती है। लेकिन राशिफल जानना आपके लिए इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है ताकि आपको ये पता चल सके कि इस सप्ताह जो ग्रहों के गोचर है वो किन क्षेत्रों में अच्छे होने वाले हैं और कहाँ पर आपको सावधानियाँ बरतने की जरूरत है। इसी के साथ साथ दोस्तों, जो मेरे राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जो ग्रहों के गोचर देखे जाने चाहिए, आपकी मन स्थिति देखी जानी चाहिए, वो चंद्र कुंडली से देखी जानी चाहिए। इसलिए यहां पर जो भी राशियों की बात होगी, जैसे मेष राशि से लेकर के मीन राशि, इन राशियों की जो बात होगी ये चंद्र राशि पर आधारित होगी। तो चलिए अब जानते हैं और बात करते हैं कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के जातकों से। मेष राशि के जातकों की बात की जाए तो आपकी यात्राओं के योग तो मुझे बनते नजर आते हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा कि इन यात्राओं को टालना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे परेशानी बनती भी नजर आती है इस सप्ताह के लिए। यदि ये यात्रा आपके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है, जैसे देखिए प्रैक्टिकली समझते हैं, यदि ऑफिशियल यात्रा है, यदि बिजनेस की तरफ से कहीं यात्रा है, नौकरी की तरफ से कहीं यात्रा है, तो बहुत ज़रूरी होता है जाना। तो यदि बहुत ज़रूरी नहीं है तो आपको टालना चाहिए, यदि बहुत ज़रूरी है तो वहाँ पर अपना ध्यान आपको रखना चाहिए। ये मेरी आपको स्पेशल सलाह है इस सप्ताह के लिए। यदि आपके नौकरी व्यवसाय में बात करें तो उन्नति के योग हैं, पदोन्नति के योग हैं। यदि आपके व्यवसाय की बात करें तो सफलताओं के योग है, तो ऐसा मुझे बिल्कुल बनता नज़र आ रहा है। स्पेशली यदि आपके पारिवारिक स्थिति की बात की जाए तो पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी यहां पर मुझे बनती नजर आती है। स्पेशली परिवार में भी यदि मैं बात करूं तो संतान की तरफ से कहीं ना कहीं खुशखबरी मुझे यहां पर आपको मिलती हुई दिखती है। अब किसी भी तरह की खुशखबरी हो सकती है, आपकी संतान यदि स्टूडेंट है तो उस क्षेत्र में कोई खुशखबरी दे, यदि आपके संतान विवाह लायक है, यदि आपके संतान प्राप्ति के लायक है या इच्छुक है तो उस क्षेत्र में आपको खुशखबरी दे। तो किसी भी क्षेत्र में जहां पर भी आपकी संतान खुशखबरी दे सकती है या सुख दे सकती है, वैसे आपको सुख या खुशखबरी मिलने के योग मुझे बनते नजर आते हैं। तो कहने का मतलब पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी है, नौकरी व्यवसाय के लिए समय भी बहुत अच्छा, आर्थिक स्थिति भी मुझे तो अच्छी बनती यहां पर नजर आती है। बस यात्राओं की जो मैंने बात की कि यात्राओं को यदि बहुत जरूरी नहीं है तो टाल देना चाहिए। उसके बाद में वृषभ राशि के जातकों की बात करें तो देखिए यात्राएं तो आपकी भी मुझे यहां पर बनती नजर आती है, लेकिन टालने का कोई जरूरत नहीं है। ये यात्राएं जो आपकी होंगी, ये तीर्थ यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, स्पेशली परिवार जनों के साथ घूमने फिरने वाली ये यात्रा होगी, तो ये आपको परेशान भी नहीं करेगी, खुशी ही देकर के जाएगी, तो बिल्कुल आपको इसे इंजॉय भी करना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज और मैं आपसे कह दूं कि लंबे समय से किसी रोग से आप ग्रसित थे, यदि किसी बीमारी, कोई बीमारी आपको लंबे समय से परेशान करती चली आ रही है, तो वो बीमारी भी यहां पर इस सप्ताह आपको शांति दे, उस रोग से आपको निदान मिले, ऐसे योग मुझे बनते नजर आ रहे हैं। अब देखिए सहयोग के योग भी मुझे आपके यहां पर बनते नजर आते हैं। सहयोग का मतलब ये कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सहयोग हो सकता है। मैं हर बार अपना एक एग्जांपल ये देता हूं कि यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं, कैपिटल नहीं है, फंड नहीं है, पैसा नहीं है, तो आपको किसी ना किसी से पैसे का सहयोग मिल जाए, धन का सहयोग मिल जाए, ताकि आपका जो बिजनेस का प्लान है वो यहां पर सक्सेस हो जाए। यदि आप नौकरी लगना चाहते हैं वहां पर किसी का सहयोग मिल जाए, यदि आप शादी करना चाहते हैं अपने मनपसंद की लड़की या लड़के से तो वहां पर आपको सहयोग मिल जाए, तो ऐसे योग मुझे वृषभ राशि के जातकों के लिए बनते नजर आ रहे हैं। तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है आपकी, स्वास्थ्य की तो मैंने जैसे बात करी थी शुरुआत में, बहुत अच्छा आपका स्वास्थ्य भी रहने वाला है, जो भी खराब स्वास्थ्य चले आ रहा था वहां पर उसे आपको निदान मिलने वाला है। तीर्थ यात्रा की मैंने बात कर दी कि फैमिली के साथ आपको जाना है, तो फैमिली जो है वो जो पारिवारिक स्थिति जो है वो आपकी बहुत अच्छी बनती नजर आती है। तो कहने का मतलब वृषभ राशि के जो कि उनके लिए जो सप्ताह बहुत शानदार जाता हुआ नजर आ रहा है। वृषभ राशि के बाद यदि मिथुन राशि के जातकों की बात करें तो देखिए
स्पेशली पारिवारिक स्थिति के बारे में मैं आपसे कहूंगा कि विवाद के योग बनते नजर आते हैं। किसी न किसी से किसी न किसी तरह का विवाद आपका हो जाए और वो आपको मानसिक अशांति भी दे और ऑब्वियसली फैमिली में भी कहीं ना कहीं इशू दे, पारिवारिक विवाद भी दे और परिवार में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का तनाव दे। तो ऐसे योग मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यदि आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है, मजबूत रहने वाली है। नौकरी व्यवसाय के लिए समय भी बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन आप के ट्रांसफर के योग या दूर कहीं जाने के योग, स्थानांतरण के योग मुझे बनते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की तो देखिए मानसिक तौर पर चिंता टेंशन ये मुझे आपका ज़्यादा यहाँ पर इस सप्ताह के लिए दिखता है। अब जैसे मैंने बता ही दिया कि पारिवारिक विवाद के योग भी हैं तो उस वजह से कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का मानसिक आपको टेंशन रहे, तनाव रहे। और फिर यदि मानसिक तनाव है तो इसमें कोई भी दो मत नहीं कि आपको शारीरिक तौर पर भी किसी न किसी तरह की समस्या होती है, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका फिर बिगड़ेगा। तो अपना थोड़ा सा मानसिक तनाव का ध्यान रखें, थोड़ा सा विवाद से बचने का प्रयास इस सप्ताह के लिए करें, स्पेशली मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए सलाह। कर्क राशि के जो जातक हैं उनसे मैं ये कहूंगा कि यदि आप शादी करना चाहते हैं, स्पेशली यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ये जो सप्ताह है मुझे बहुत अच्छा आपके लिए बनता है यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर स्पेशली लव मैरिज में सहयोग मिलने के योग बनते नजर आते हैं। साथ ही साथ मन में खुशी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, हर्ष रहेगा, उत्साह रहेगा, उत्साह में वृद्धि रहेगी, सफलता रहेगी। तो कहने का मतलब कर्क राशि के जातकों के लिए जितना अच्छा बोल दिया जाए उतना कम है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, नौकरी व्यवसाय के समय मुझे बहुत अच्छा यहां पर बनता नजर आता है, मन में खुशी मुझे बनती नजर आती है, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा मुझे ये बनता नजर आता है। साथ ही साथ आपके स्वास्थ्य की बात की जाए तो वहां पर भी मुझे समय बहुत अच्छा बनता नजर आता है। तो कहने का मतलब कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह ओवरऑल है मुझे अच्छा जाता नजर आ रहा है। कर्क राशि के बाद यदि सिंह राशि के जातकों की बात करें तो स्पेशली यश प्राप्ति, यश में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, ऐसे योग मुझे इस सप्ताह के लिए बनते नजर आते हैं। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, चाहे आप वृद्ध हो, उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, आपके यश में, आपके सम्मान में वृद्धि हो, आपको यश प्राप्ति हो, ऐसे योग बनते नजर यहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही साथ एक और अच्छी बात कि यदि आप लव अफेयर में, यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपकी जो सफलताएँ हैं वो मुझे बनती नजर आती है और किसी न किसी का सहयोग आपको प्राप्त हो, जिस वजह से आप सही तरह से अपने प्रेम को अपनी शादी में, अपने विवाह में तब्दील कर सके। लेकिन स्थानांतरण के योग भी दिखते हैं, ट्रांसफर के योग भी दिखते हैं। अब यदि ट्रांसफर आप नहीं चाहते तो जरूर से आपको मानसिक तौर पर तनाव यहां पर हो सकता है। तो कहने का मतलब यदि आपके जो आर्थिक स्थिति की बात करें तो मुझे आर्थिक स्थिति सामान्य बनती नजर आती है, लेकिन नौकरी व्यवसाय के लिए समय बहुत अच्छा है। जैसे यश प्राप्ति, यश वृद्धि मैंने कहा, तो यश प्राप्ति या यश वृद्धि को नौकरी में देखा जाए तो पदोन्नति भी हो सकती है। यदि पदोन्नति होगी तभी यश वृद्धि या सम्मान प्राप्ति आपकी मानी जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए भी यदि आपने जो एग्जाम फाइट की थी उसमें अच्छे नंबर आएंगे या सही तरह से एग्जाम फाइट करेंगे तो ही आपके सम्मान में वृद्धि या यश प्राप्ति आपकी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। तो कहने का मतलब राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह है मुझे बहुत अच्छा जाता हुआ नजर यहां पर आ रहा है। कन्या राशि के जो जातक हैं उनके लिए फिर से कहूंगा कई राशि के जो जातक हैं जिनके लिए सहयोग के जो योग हैं इस सप्ताह बनते नजर आते हैं, आपके लिए भी किसी न किसी तरह का सहयोग किसी न किसी से मिल जाए। आप जो भी चाहते हैं, जैसे कि आप यदि बिजनेस करना चाहते हैं, फंड नहीं है तो पैसे का सहयोग मिल जाए, शादी करना चाहते हैं, अपने मनपसंद के लड़के या लड़की से शादी करना चाहते हैं, वहां पर किसी का सहयोग मिल जाए, किसी न किसी तरह का सहयोग। नौकरी लगना चाहते हैं, आजकल नौकरी में कॉन्टैक्ट भी होना चाहिए, मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल ये स्थिति होती है, तो वहां पर किसी का सहयोग आपको मिल जाए, तो सहयोग मिलने के जो चांसेस है, जो योग है, मुझे अच्छे बनते नजर आते हैं। आपके उत्साह में भी वृद्धि होगी, खुशी मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी इस सप्ताह के लिए कन्या राशि के जातकों को। आर्थिक स्थिति आपकी सामान्य रहने वाली है, लेकिन नौकरी व्यवसाय के लिए समय मुझे बहुत अच्छा बनता नजर आता है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा बनता नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए भी उत्साह में वृद्धि के योग है, कहने का मतलब आप भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो कन्या राशि के जो जातक है उनके लिए जो सप्ताह है वो बहुत अच्छा, बहुत शानदार, उत्साह वृद्धि वाला जाता नजर आ रहा है। कन्या के बाद यदि तुला की बात करें तो देखिए आपके साथ थोड़ा सा तनाव टेंशन ऐसा माहौल बनता नजर आता है, और स्पेशली मैं कहूँ तो आपकी पारिवारिक स्थिति जो है ना वो बिगड़ेगी और उस वजह से आपको ज़्यादा तनाव हो, ऐसे योग मुझे बनते नजर आते हैं। देखिए एक और चीज़ आपसे कहता हूँ कि पैसे किसी को ना दें, क्योंकि धोखा होने के योग भी बनते नजर आते हैं। अपने पैसे का, अपने धन का
आप थोड़ा सा रख रखाव करें, थोड़ा सा ज्यादा केयरिंग करें, क्योंकि किसी न किसी तरह का धोखा हो जाए, पैसा खर्चा ज्यादा हो जाए, आपने किसी को पैसा दिया वो आपको मिले ना वापस। तो पैसा आपको किसी को नहीं देना चाहिए, धन किसी को नहीं देना चाहिए। और फिर आपकी आर्थिक स्थिति तो इस सप्ताह जो है वो कहीं ना कहीं डावाडोल में भी मुझे नजर आ रही है। नौकरी व्यवसाय में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह की चिंताएं नजर आती है। स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में मुझे बनता नजर आता है। तो कहने का मतलब जो तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह थोड़ा सा कठिन जाने वाला है, स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा कठिन जाने वाला है, लेकिन आने वाला सप्ताह अच्छा होगा, इस वजह से इस सप्ताह को निकल जाने की प्रतीक्षा करें। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करें तो देखिए भागा दौड़ी आपकी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, भागते दौड़ते रहेंगे, आपको लगेगा कि यार मैं 100 रुपए का काम कर रहा हूं 85 रुपया मिल रहा है। तो आपके जो ऐसे योग हैं ये मुझे ज्यादा बनते नजर आते हैं और ये आपको थोड़ा सा परेशान करेंगे, शारीरिक तौर पर थोड़ा सा ज्यादा आपको परेशान करेंगे और टेंशन में लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 50 रुपए भी नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन आपको ये जरूर लगेगा कि काम मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूं, उसके बदले जो मुझे मिल रहा है वो कम मिल रहा है, ऐसा जरूर है। तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, जो नौकरी व्यवसाय के लिए समय है वो भी सामान्य रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत सामान्य रहने वाला है, कोई बहुत अच्छा मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत खराब भी नहीं कह रहा हूं। भागा दौड़ी देखिए लगभग सभी को करना पड़ती है, लेकिन उसकी बदौलत उसकी वजह से बहुत सी चीजें मिलती भी हैं। तो यहां पर आपको जो चीजें मिलेंगी वो सामान्य रहने वाली है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी के बराबर नहीं रहने वाली, लेकिन बहुत कम भी नहीं रहने वाली। एक चीज और आपसे कहूंगा कि यदि आप वाहन चलाते हैं, ऑब्वियसली चलाते ही होंगे, तो वहां पर भी आपको किसी न किसी तरह का कष्ट मुझे बनता नजर आता है। तो यदि आप किसी एक शहर से दूसरे शहर इस सप्ताह जाने की सोच रहे हैं अपने खुद के व्हीकल से, तो उसे टालने का प्रयास करें। और यदि अपने शहर में भी आप कहीं वाहन चलाते हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के चलाएं। देखिए जरूरी नहीं कि आपकी ही गलती हो, सामने वाला भी गलती कर सकता है, जिस वजह से आपको भी भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे योग मुझे बनते नजर आते हैं, तो वाहन थोड़ा सा सावधानी के साथ चलाएं। और एक और जो कि हमारी सरकार भी बार बार कहती है, कई कैंप लगाती है, कई लोग इसकी जागरूकता फैलाते हैं, मैं भी आपसे ये कहूंगा कि वाहन चलाते समय, स्पेशली टू व्हीलर चलाते समय हेलमेट का यूज जरूर करें। और स्पेशली आपके लिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तो जरूर से सलाह ये मेरी रहने वाली है। तो आपको मैंने बता दिया आपके जो योग है वो सामान्य रहने वाले हर क्षेत्रों में। धनु राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो है वो लाभ के योग बनते नजर आते हैं, स्पेशली धन लाभ के योग मुझे बनते हुए नजर यहाँ पर आ रहे हैं। यदि आप स्टूडेंट हैं तो भी आपको बहुत अच्छे यहाँ पर फायदा मिलेगा, आपकी उन्नति होगी। आप जहाँ पर भी यदि आपने सोच करके रखा है कि ये कॉलेज मुझे चाहिए या ये स्कूल मुझे चाहिए या ये इंस्टीट्यूट मुझे चाहिए, तो ऐसे बिल्कुल वो जो सोच करके रखा है वो पूरा होने के, उसको प्राप्त करने के योग मुझे बनते नजर आते हैं स्टूडेंट्स के लिए। नौकरी व्यवसाय में यदि हम बात करते हैं तो पर ऑलरेडी मैं कह चुका हूं धन लाभ में, तो आपका इंक्रीमेंट भी हो सकता है, व्यवसाय में भी आपको बड़ा सा कोई ऑर्डर मिल सकता है, और साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी हो सकती है। और आपके यदि हम स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य भी मुझे आपका अच्छा यहाँ पर बनता नजर आ रहा है। साथ ही साथ आपके लिए भी मैं कहूंगा कि यश प्राप्ति है, सम्मान में वृद्धि है, तो आपके भी उन्नति, हर्ष, खुशी, ऐसे माहौल मुझे बनते नजर आते हैं धनु राशि के जातकों के लिए। तो ओवरऑल आपके लिए भी, धनु राशि के जातकों के लिए भी जो सप्ताह है बहुत शानदार जाता हुआ नजर आ रहा है। धनु राशि के बाद यदि मकर राशि के जातकों की बात करें तो देखिए आपका खर्च यहां पर ज्यादा होगा, आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी व्यवसाय के लिए समय खराब हो जाएगा, नौकरी व्यवसाय अपना वैसे ही जस का तस चलता रहेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं आपकी डावाडोल हो सकती है खर्च की वजह से, फिजूल के खर्च की वजह से। तो अपने खर्च पर थोड़ा सा आपको संयम बरतना चाहिए, काबू बरतना चाहिए। साथ ही साथ मतभेद भी आपका हो सकता है, आपके पारिवारिक सदस्यों से मतभेद हो सकता है, मित्रों से मतभेद हो सकता है, आप जहाँ काम करते हैं कॉलिग से मतभेद हो सकता है। तो मतभेद के योग में मुझे बनते नजर आते हैं किसी न किसी से और किसी न किसी तरह के, तो मतभेद से भी थोड़ा सा आपको यहां पर बचना चाहिए। एक चीज जरूर से मैं अच्छी आपको कहूंगा कि यदि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, यदि लव अफेयर में है, उस अफेयर को, उस फ्रेम को आप यदि विवाह में तब्दील करना चाहते हैं, तो ऐसे मुझे जरूर से भरपूर अच्छे योग, पॉजिटिव योग बनते नजर आते हैं इस सप्ताह के लिए। तो आपकी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं डावाडोल में हो सकती है, लेकिन नौकरी व्यवसाय के लिए समय मुझे सामान्य बनता नजर आता है। स्वास्थ्य की बात की जाए तो जैसा मैंने बताया कि मतभेद के योग हैं, तो स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मानसिक तौर पर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो शारीरिक तौर पर भी बिगड़ ही जाता है। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए भी जो सप्ताह है वो सामान्य जाने वाला है। उसके बाद में कुंभ राशि के जातकों की बात करें तो आपकी भी पदोन्नति के योग मुझे बनते नजर आते हैं इस सप्ताह के लिए। स्पेशली ऑब्वियसली यदि आप नौकरी करते हैं तो आपकी पदोन्नति हो, ऐसे योग मुझे बनते नजर आते हैं। साथ ही साथ
यात्राओं के योग भी बनते नजर आते हैं। आप अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के बारे में सोच सकते हैं और ये आपकी जो यात्राएं रहेंगी बड़ी सुखद भी रहेंगी, आपको खुशी देकर के जाएगी, प्रसन्नता देकर के जाएगी। तो ऐसे योग मुझे भरपूर यहाँ पर बनते नजर आते हैं। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी बनती नजर आती है, बिल्कुल मजबूत बनती हुई नजर आती है। साथ ही साथ पारिवारिक स्थिति भी बहुत अच्छी मुझे बनती नजर आती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखा जाए कुंभ राशि के जातकों को तो बहुत अच्छा मुझे समय जाता नजर आता है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा, तो कहने का मतलब कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह है बहुत शानदार, बहुत अच्छा जाने वाला है। मीन राशि के जातकों की बात करें तो देखिए आपके साथ जो है स्पेशली आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं मुझे बिगड़ता हुआ आपका नजर यहां पर आता है। तनाव भी, मानसिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। टेंशन आपको ज्यादा हो सकता है इस सप्ताह के लिए। आपको भी भागा दौड़ी थोड़ी सी ज्यादा फील हो सकती है जो कि आपको टेंशन यहां पर प्रोवाइड करेगी, तनाव आपको प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ एक चीज और ये कि आपने कहीं से कर्जा ले करके रखा है तो वो राजभय का आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। राजभय का मतलब ये कि सरकार की तरफ से, हो सकता है किसी सरकारी बैंक से आपने कर्जा लेकर के रखा है, उसे चुका नहीं पा रहे हैं, तो उसकी तरफ से कहीं नोटिस आ रहा है जो कोर्ट के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाए, जो कि कानूनी तौर पर सही भी होगा यदि कोर्ट के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है तो ये कर्जे के तौर पर, ये कानूनी तौर पर मुझे यहाँ पर ज़रूर से आपका दिक्कत यहाँ पर बनता नजर आता है। आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं मुझे डावाडोल दिखती है। शारीरिक स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं डावाडोल मुझे दिखता है। आप यदि स्टूडेंट है तो वहां पर भी मुझे कहीं ना कहीं कष्ट, कहीं ना कहीं तनाव नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब जो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए जो सप्ताह है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जाने वाला है, परेशान करने वाला जाने वाला है। लेकिन थोड़ा सा इस सप्ताह रुक जाए, आने वाले समय की प्रतीक्षा करें, आने वाला समय आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने बात की मेष राशि से लेकर के मीन राशि के जातकों की कि उनके लिए जो सप्ताह है वो कैसा जाने वाला है अलग अलग क्षेत्रों में। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। दोस्तों आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।